calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, 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 baby, come give me your lo, 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 lo. बनाएंगे आपको प्याज के पकौड़े बनाना, ठीक है? लेकिन पकौड़े चाहे किसी के, लेकिन बेसन घोलना एक ट्रिक है, मैं वो आपको बताती हूँ। हम इसमें सब कुछ ऑर्डिनरी रखेंगे, अपना नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे जिससे इसका कलर अच्छा आए, और लाल मिर्च डालेंगे। लेकिन जो टेस्टी फ्लेवर है उसका सीक्रेट क्या है मैं वो आपको बताती हूँ। सिर्फ क्या है कि मैं लहसुन को पीसूंगी, इसका पेस्ट डालूंगी इसमें, और नींबू निचोड़ूंगी। उसके बाद आप देखिए इसका टेस्ट और पकौड़े कितने क्रिस्पी बनेंगे। जो लहसुन नहीं खाते हैं वो इसमें हींग ऐड कर लें और लहसुन को हटा दें, ठीक है ना? नींबू और हींग डालें, और जो हींग खाना पसंद करते हैं मगर लहसुन के संग हींग मत डालिएगा प्लीज़। डाला लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस, ये सब बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी, यानी सारे अपने नॉर्मल ऑर्डिनरी मसाले, लहसुन का पेस्ट, नींबू और कसूरी मेथी,